तुलसी के पौधे में अगर मंजरी निकल आए तो तुरंत कर ले ये काम, पैसों का लग जाएगा अंबार। अक्सर आपने कई बार आपके देखा होगा कि तुलसी के पौधे में से मंजरी उग जाती है। मान्यताओं के अनुसार जब भी तुलसी पर मंजरी आती है तो इसका अर्थ है कि तुलसी दुखी है। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है। वही वास्तुशास्त्र में भी तुलसी को काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। वास्तु के अनुसार घर में तुलसी का पौधा लगाने से पॉजिटिव एनर्जी का वास बना होता है। अक्सर आपने कई बार आपके देखा होगा कि तुलसी के पौधे में से मंजरी उग जाती है। मान्यताओं के अनुसार जब भी तुलसी पर मंजरी आती है तो इसका अर्थ है कि तुलसी दुखी है। लेकिन आज हम आपको कुछ सरल उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाने से आपको धन समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही तुलसी का पौधा हरा भरा रहेगा। नंबर 1, भगवान शिव को करें अर्पित। हिंदू शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश जी को तुलसी की पत्ती अर्पित करना वर्जित माना गया है। लेकिन आप भगवान शिव को मंजरी अर्पित कर सकते हैं। तुलसी की मंजरी चढ़ाने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम की कमी है या उसकी शादी में बाधा आ रही है तो ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव पर दूध में मंजरी मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। नंबर 2, गंगा जल में मंजरी मिलाकर रखें। तुलसी की मंजरी घर से नकारात्मक ऊर्जा मिटाने में लाभकारी होती है। इसलिए किसी भी दिन शुभ दिन पर गंगा जल में मंजरी को मिलाकर रख लें और हफ्ते में 2 दिन इसे घर में छिड़क लें। ऐसा करने से आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। नंबर 3, तुलसी की मंजरी लाल कपड़े में मिलाकर रखें। तुलसी की मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। नंबर 4, शुक्रवार को मां लक्ष्मी को अर्पित करें मंजरी। हर शुक्रवार को अगर आप तुलसी की मंजरी को मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से आपको सभी मनोकामनाएं मां लक्ष्मी जल्दी पूरी करती हैं। डिस्क्लेमर, यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। निधिश किचन इसकी पुष्टि नहीं करती हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।